हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिलाषा है और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्यू के बारे में और डिसएडवांटेज भी देखे थे हमने क्यू के. क्यू का डिसएडवांटेज ये था कि ऑल्दो कि हमारे पास एलिमेंट्स रखने के लिए जगह है, लेकिन हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते थे, है ना. तो उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने सर्कुलर क्यू देखेंगे आज. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है. तो सर्कुलर क्यू, अब सर्कुलर क्यू में क्या होता है, सर्कुलर क्यू हम कुछ इस तरीके से ऑब्ज़र्व करेंगे. जैसे देखिए यहाँ पे क्यू ज़ीरो, ये हमारा क्यू स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और क्यू ज़ीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के बाद फिर से हम फर्स्ट लोकेशन पे आ सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन को हम सर्कुलर क्यू कहेंगे, ठीक है. तो सर्कुलर क्यू इज़ वन इन विच इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इज़ डन एट वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ द क्यू इफ़ द लास्ट लोकेशन ऑफ द क्यू इज़ फुल, ठीक है. तो जैसे हमारी लास्ट लोकेशन फुल होगी तो हम नेक्स्ट क्यू ज़ीरो पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, और ये नॉर्मल क्यू में हम नहीं कर सकते थे, है ना. सर्कुलर क्यू में हमें ये अलाउ हो जाता है, ठीक है. तो इफ़ अ क्यू क्यू नाम का एक क्यू लिया है और जिसमें n एलिमेंट है, तो जब हम n माइनस वन एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा, पोजीशन ज़ीरो पे. n माइनस वन क्यों, क्योंकि एरे हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, एरे इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो n माइनस वन तक, है ना, ज़ीरो टू फोर. और साइज़ n यहाँ पे क्या है, साइज़ ऑफ क्यू, तो साइज़ क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है. लेकिन इंडेक्स क्या है, n, तो इसलिए हम बोलते हैं n माइनस वन, ठीक है. n माइनस वन इज इक्वल्स टू फाइव माइनस वन इज इक्वल्स टू फोर. तो लास्ट इंडेक्स जो होगा एरे का वो n माइनस वन होगा, है ना. तो ये वाला पॉइंट क्लियर है आई सपोज, ठीक है. और इसमें भी वही होगा सर्कुलर क्यू में कि फर्स्ट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है. और न्यू एलिमेंट जब हम इंसर्ट करेंगे तो रियर को हम बढ़ाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल क्यू में कर रहे थे, इसमें भी हम रियर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है. और जब हम नया एलिमेंट डिलीट करें, कोई हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को फ्रंट प्लस वन करेंगे, है ना. क्यू हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो भी एलिमेंट है वो डिलीट हमेशा फ्रंट से होगा और इंसर्ट हमेशा रियर में होगा. तो सर्कुलर क्यू में भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है. बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस होगा, देखेंगे डिफरेंस क्या होगा, कि हम सिर्फ रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस वन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, हमारा क्यू यहाँ तक नॉर्मली बिहेव करेगा, लेकिन अगर हम रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस वन कर देंगे तो फोर इज तो नेक्स्ट एलिमेंट फाइव पे आएगा, लेकिन इंडेक्स फाइव है ही नहीं, तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए, फोर के बाद फिर से ज़ीरो चाहिए, है ना. और हम डिलीट करते जाएंगे, इस तरीके से डिलीट करते जाएंगे, तो भी डिलीट करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आना चाहिए, क्यू ज़ीरो. तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. रियर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रियर प्लस वन मॉड मैक्स साइज, ठीक है. और फ्रंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन मॉड मैक्स साइज. अच्छा, जब ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं इसका मतलब है हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हम बाहर वाला ऑपरेटर सॉल्व करेंगे. और ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, ये मॉड ऑपरेटर कहलाता है, एम ओ डी मॉड. मॉड ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है ना. जब हम डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचा हुआ होता है ना, तो ये ऑपरेशन हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है. डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बच रहा है, तो जो भी इसका आउटपुट आएगा वो रियर का पोजीशन कैलकुलेट करके देगा. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये कैसे काम कर सकता है. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है. तो रियर का फॉर्मूला ये है, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन मॉड मैक्स साइज, है ना. तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है, सपोज़ हमारे पास तीन एलिमेंट हैं और अब हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है. तो नया एलिमेंट हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, क्यू थ्री पे, ठीक है. तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन मॉड मैक्स साइज. रियर की वैल्यू अभी क्या है, आर क्या है, टू. और रियर और फ्रंट हमेशा याद रखिए, जो क्यू है और जो स्टैक हमने देखा था उसके इंडेक्स को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है. रियर इस 30 वैल्यू को रेफ़र नहीं कर रहा है, रियर हमेशा हम इस इंडेक्स को पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ये इंडेक्स, ठीक है. तो रियर की वैल्यू क्या है, टू.
टू प्लस वन मॉड फाइव, है ना। अगर हम तो यहाँ पे क्या है, टू प्लस वन थ्री, थ्री को अगर हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब ये देखिए, ये जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं रेयर की, ये इंटीजर वैल्यू है ना, तो यहाँ पे पॉइंट में रियल वैल्यूज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर हमारा थ्री ही रिटर्न करेगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो रेयर की वैल्यू क्या हुई, थ्री। मतलब अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें कहाँ इंसर्ट करना है, क्यू थ्री पे, ठीक है। तो सही पोजिशन आ गई, है ना, इस तरीके से। अब देखिए, अब क्या है, सपोज हमने 40 इंसर्ट कर लिया, 50 इंसर्ट कर लिया, है ना, पूरा इंसर्ट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि हम फिर से इंसर्ट करना चाहते हैं एलिमेंट, है ना। तो अब Q4 के पास ज़ीरो आना चाहिए, है ना, ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर लिखा रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस वन मॉड मैक्स साइज, रियर प्लस वन। रियर अभी कहाँ तक पहुँच गया है, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, फोर। तो फोर प्लस वन मॉड फाइव, फाइव मॉड फाइव, फाइव से फाइव पूरा चला गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, है ना, तो रिमाइंडर क्या क्या बचा यहाँ पे, ज़ीरो, ठीक है। तो मॉड ये वाला वैल्यू रिटर्न करता है ना, ये वाला नहीं रिटर्न करना है, हमें ये वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमने देख लिया ज़ीरो, ज़ीरो पोजिशन ऑलरेडी यहाँ पे फुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट करने के लिए रियर की पोजिशन कैलकुलेट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम डिलीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट का एग्जांपल देते हैं, सपोज़ ये हमारा सिचुएशन है, ठीक है। तो डिलीट हमेशा कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। तो डिलीट करेंगे एलिमेंट तो हमें फ्रंट को एक बढ़ाना है ना। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन मॉड मैक्स साइज। फ्रंट की वैल्यू क्या है, अभी फ्रंट कौन से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन मॉड फाइव, है ना। तो रिमाइंडर क्या बचा, वन, है ना। तो फ्रंट की वैल्यू वन, मतलब ये एलिमेंट डिलीट हो गया और फ्रंट कहाँ पे आ गया, फ्रंट पॉइंट करने लगेगा ट्वेंटियथ एलिमेंट को, है ना, इंडेक्स वन को। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज ऐसा सिचुएशन है कि एक ही एलिमेंट है जो हमारे क्यू में एक ही है, लास्ट हो सकता है हमारा रियर, हमने पहले पूरा एलिमेंट ऐसे इंसर्ट कर लिए थे, है ना, हमारा क्यू फुल हो गया, फिर अब फुल है तो हम इंसर्ट करना चाहते थे, हमने यहाँ से डिलीट करना चालू किया, है ना, 10, 20, 30, 40, 50 पे। तो ऐसे हमारा फ्रंट बढ़ बढ़ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। तो फ्रंट भी और रियर भी दोनों 50 को पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने रियर को देखा था, ऐसे सिचुएशन में रियर हमें ज़ीरो देता है, तो अब फ्रंट भी क्या होना चाहिए, इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारा फ्रंट भी फोर से ज़ीरो पे आना चाहिए, है ना। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन मॉड मॉड मैक्स साइज, सॉरी ये रियर नहीं है, दिस इज मैक्स साइज, है ना, ये गलती से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो फ्रंट की वैल्यू क्या है, फोर प्लस वन और मॉड फाइव, फाइव मतलब मैक्स साइज, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो मैक्स साइज है फाइव मॉड फाइव, मतलब रिमाइंडर क्या हुआ, फाइव से फाइव पूरा चला गया, कोई कुछ रिमाइंडर नहीं मिला, ज़ीरो। तो फ्रंट की वैल्यू क्या हुई, ज़ीरो। तो ये एलिमेंट डिलीट होगा और फ्रंट फिर से ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्कुलर क्यू काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग फ्रॉम सर्कुलर क्यू। थैंक यू।